मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी हाजिरी दी। वे दोपहर 12:30 पर फाइलों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। बुधवार यानी 3 अगस्त से लगातार ईडी कार्यालय में प्रेस सलाहकार से पूछताछ की जा रही है। पहले दिन ईडी ने 9 घंटे से अधिक समय तक पिंटू से पूछताछ की थी। दूसरे दिन भी 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। शुक्रवार यानी आज तीसरे दिन अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू थोड़ी देर से पहुंचे। ईडी की टीम साहिबगंज में स्टोन माइंस खदान आमदनी सरकारी निविदा में एक सिंडिकेट को काम देने, साहिबगंज के कारोबारी पंकज मिश्रा के साथ उनके बीच होने वाली बातचीत का ब्यौरा जानना चाह रही है। जानकारी के अनुसार ईडी के सवालों का प्रेस सलाहकार ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।